नेर चौक में विश्राम गृह और किसान भवन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बल के विधायक ने कृषि विभाग, राजस्व विभाग सहित स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नेर चौक और लूनापानी में भूमि का निरीक्षण किया। दोनों स्थानों पर कृषि विभाग की भूमि खाली पड़ी है, जिससे नेर चौक में विश्राम गृह व किसान भवन बनाने की योजना को बल मिल गया है। दोनों स्थानों पर भूमि का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित विभागीय अधिकारियों को उन्होंने भूमि हस्तांतरण संबंधित सभी औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधायक इंदर सिंह गांधी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से किसानों की समस्या और विश्राम गृह की आवश्यकता को लेकर उनकी अभी हाल में ही चर्चा हुई है, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री ने नेर चौक में विश्राम गृह व ई किसान भवन बनाने की सहमति प्रदान करते हुए भूमि सहित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दोनों कार्यों के लिए बजट का शीघ्र प्रावधान करने का भी आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि बल में लंबे अरसे से किसान भवन निर्माण की मांग उठा रहे थे और उपमंडल बल में विश्राम गृह की कमी भी लंबे अरसे से हर बड़े अधिकारी व राजनीतिक को खलती आ रही थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से जब उनकी चर्चा हुई तो उन्हें किसान भवन और विश्राम गृह बनाने के लिए भूमि चिन्हित कर समस्त औपचारिकताएं पूरा करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भूमि चिन्हित कर ली जाएगी और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दोनों भवनों का शिलान्यास करेंगे। उस भूमि का निरीक्षण किया जो भूमि विभाग के नाम से भी है और लोगों का मानना है कि हमारे बल में कई बसों से कई डिमांड थी, शाम भवन के साथ साथ वहाँ रेस्ट हाउस भी बने और मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री से भी इस विषय में बात कही है और कृषि मंत्री से भी वार्तालाप की। उन्होंने निर्देश दिया कि जहाँ आपको चाहे नेर चौक में बनाए चाहे लूनापानी बनाए, लेकिन जल्दी इसका शिलान्यास किया जाएगा और तुरंत इसकी कार्रवाई करके इसका निर्माण शुरू करेगा। मैं धन्यवाद हूँ प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी का और धन्यवाद हूँ हमारे कृषि मंत्री श्री रामलाल जी का। उन्होंने इस भूमि के लिए 93 लाख की राशि स्वीकृत की है और जो इसकी स्टैंडर्ड ड्राइंग है मैंने निर्देश दे दिया अधिकारियों की, इसकी जो स्टैंडर्ड ड्राइंग है उसको बनाएं और हम जगह 1-2 दिन के जो हम इसको चिन्हित कर देंगे कि लूना पानी में बढ़नी है या नेच में बढ़ना है, जहाँ जनता चाहेगी मैं उसी के ऊपर आधारित हूँ। और मुझे लगता है कि जो लूना पानी वाली जगह है ये भी अच्छी पर्याप्त है, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी होती है और इसके साथ हमारा एक रेस्ट हाउस भी बन सकता है जो आज बल में बहुत जरूरत है। मैं चाहूँगा कि जो नेर चौक वाली जगह है उसको भी हम उपयोग करेंगे, लेकिन जहाँ लूना पानी की बात है, जहाँ मुझे सबकी राय अच्छी लगी कि लूना पानी के लिए जहाँ पार्किंग की बात है या अन्य कभी हमारे मंत्री लोग आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो उनके लिए यहाँ बड़ी उपयुक्त जगह है बैठने के लिए, लोगों की समस्या सुनने के लिए। मैं चाहूँगा कि इसका निरीक्षण हमने कर लिया और विभागीय अधिकारी यहाँ हमारे बैल साहब भी हैं, नरेश नायक जी हैं और अन्य जो हमारे इसी विभाग से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने इसका निरीक्षण किया और साथ ही हमारे BDC की चेयरमैन पर्सन हैं, हमारे पार्टी की जो मीडिया प्रभारी हैं, पार्टी के बहुत से पदाधिकारी आए हैं, उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया। मैं चाहूँगा कि इस विषय में हम आपस में बैठकर बात करेंगे और आपको 2 दिन के अंदर इसका निर्णय करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय।